जय हिंद दोस्तों। इसराइल, इसराइल के साथ हमास और फिलिस्तीन, इन तीन शब्दों से हम पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं। और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो इसराइल और हमास का जो लड़ाई है वो पिछले महीने मई के अंदर जिस तरीके से 11 दिन की लड़ाई चली थी, उसने भी पूरे दुनिया को एक तरीके से इस टेंशन में डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लड़ाई है ये पूरे तरीके से वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए या बड़ी टेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आप UPSC यानी IAS की या PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT के कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और NCERT के कंसेप्ट्स की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारा कंसेप्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को हम कंप्लीट NCERT के लेवल की जो GS है वो कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आपका PT का प्रिपरेशन लगभग 100% और मेंस की प्रिपरेशन लगभग 40% हो जाएगी। मेंस थोड़ा हायर लेवल स्टडीज होता है। इस सीरीज़ का नाम हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ है। कॉल करते हुए इसका नाम लोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे। उसके बाद फीस की अगर बात करें तो दोस्तों 500 रुपीज़ पर मंथ की इसकी फ़ीस रखी है, जो अपने आप में ना के बराबर है। पॉकेट मनी के खर्चे के अंदर, या यूं कहें कि एक ट्यूशन जो पुराने टाइम पर आप पढ़ते थे, उस ट्यूशन के खर्चे के अंदर आप अपनी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी पॉकेट पे असर नहीं पड़ेगा और तैयारी अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी। तो जो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें। अब आ जाते हैं इसराइल और फिलिस्तीन का मामला। दुनिया में सबसे पुराने, लगभग 70 साल पुराना ये मामला है, जुड़ा हुआ है आपस में। और इस फिलिस्तीन के दो ग्रुप्स आपको पता है, एक फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके महमूद अब्बास जो है वो अध्यक्ष हैं, और दूसरे इसी का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहें एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप हमास कहते हैं वो। अब ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में से हमास जो है वो इसराइल के ऊपर सीधे और ताबड़तोड़ हवाई हमले करता है और गाजा स्ट्रिप के ऊपर उसका कब्जा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये तो हो गई आउटलाइन। मज़े की बात ये है कि अभी जून के महीने में नेप्ताली बेनेट जो है वो प्रधानमंत्री बने, और ये उनके एक वित्त मंत्री, उनके जो उन्हीं की एक कोअलिशन गवर्नमेंट बनी। और मज़े की बात उससे बड़ी ये कि इसी कोअलिशन गवर्नमेंट के अंदर महमूद अब्बास जो हैं, जो फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और अरब लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसके पास लगभग 20% वोट और लगभग कुछ सीटें हैं, 2 या 3 सीटें हैं, और ये भी इस समय पर इस सरकार के मेंबर हैं। अब यहाँ लोग ये कयास लगा रहे थे कि नेप्ताली बेनेट, जो कि एक कोअलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो हमेशा इस दबाव में रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिलिस्तीन के मामले में, खासकर हमास के मामले में, ये कमज़ोर पड़े, या यूं कहिए कि ये इस तरीके से कमज़ोर पड़ जाएं कि वो हमास के ऊपर वो ओपन कार्रवाई ना कर पाएं जो कि बेंजामिन नेतन्याहू कर पाते थे। अब इसी बहस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम में, खासकर जब से सरकार बनी है, तब से 2 बार तो इसराइल हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुका है। और इस बार हमास के ऊपर जो एयर स्ट्राइक करी, उसके पीछे के लॉजिक को आप समझिए। दोस्तों, असलियत में अगर आप इस पूरे नक्शे को देखते हैं तो यहाँ पर इसराइल थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद ही ज़्यादा नज़र आता है, वरना वो ढंग से नज़र भी नहीं आता। अगर आप इसे और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ आपको ये इसराइल नज़र आएगा। इस इसराइल के नक्शे को अगर आप पूरे तरीके से देखते हैं तो यहाँ ये जो डॉटेड लाइन है, ये है वो गाजा स्ट्रिप। ये डॉटेड लाइन यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, इसके साथ ये इजिप्ट का जो बॉर्डर है ये टच करता है। इसके बाद ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉर्डर जिसमें 1967 में डेड सी से होते हुए जा रहा है, 1967 में इसराइल ने इस पर कब्जा किया था, और पूरे का पूरा जेरूशलम और वेस्ट बैंक इलाका जो है वो इसराइल के कब्जे में आ गया। इसी के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको गोलन हाइट्स नज़र आएगा, जिसे इसराइल ने सीरिया से छीना था। ठीक है, अब पूरी की पूरी सिचुएशन को यहाँ समझिए कि मामला क्या है। मामला दोस्तों ये है कि यहाँ ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, इसके ऊपर हमास का कब्जा है, और छोटी सी इस जगह में 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। अब इसी 20 लाख फिलिस्तीनी और हमास जो है वो लगातार इधर एयर स्ट्राइक, मतलब हमास जो है यहाँ से ऑपरेट करता है। और ख़ास बात ये है, हमास के पास यहाँ पर रॉकेट्स और दूसरी चीज़ें हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको लगेगा कि ये यहाँ पर बॉर्डर जो है, ये सी रूट जो है ये खुला है, और ये जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर है ये खुला है, तो आप लोगों की गलतफहमी है। असलियत में इसराइल ने पूरे का पूरा जो मैरिटाइम बॉर्डर है और एयर स्पेस है, ये सारे का सारा इस तरीके से ब्लॉकेड कर रखा है, इस तरीके से कब्जा कर रखा है
कि ना तो इस इलाके पर से इसराइल की परमिशन के बगैर कोई भी प्लेन जा सकता, ना ही और कुछ, और ना ही इस एयर स्टे, इस मैरीटाइम जो रूट है, यहाँ से कोई भी चीज़ या कोई भी वेसल जो है या कोई भी शिप जो है वो हमास तक पहुँच पाए। इसीलिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि दुनिया के बहुत से ह्यूमन राइट्स वाले ये कहते हैं कि ये एक तरीके की ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया है इसराइल ने, जिसके अंदर 20 लाख के करीब लोग जो हैं वो कैद में हैं। इसराइल ने इसे एक ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया है जिसमें 20 लाख लोग कैद में हैं। अब ऐसे में ये जो ओपन जेल है और ये 20 लाख लोग कैद में हैं, इसीलिए हमास असलियत में अब तरीका क्या इस्तेमाल करता है, या तो वो रॉकेट छोड़ेगा, या फिर ये बलून छोड़ता है, या फिर ये कहीं ना कहीं ड्रोन का इस्तेमाल करता है और गाज़ा स्ट्रिप के आसपास आने वाली जो फार्मर कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर आए दिन हमला करता रहता है, खासकर बलून्स यानी गुब्बारे छोड़कर या ड्रोन्स के द्वारा। रॉकेट तो छोड़ता ही छोड़ता है। ऐसी सिचुएशन में जब ये रॉकेट्स और बलून्स छोड़े जाते हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक प्रेशर क्रिएट करना, प्रेशर क्रिएट करना इसराइल के ऊपर, और साथ में जो भी मीडिएटर ग्रुप्स हैं जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक शांति वार्ता करवाना चाहते हैं, उनके भी उनके ऊपर कि इस ब्लॉकेड को हटाया जाए, और अगर आप इस ब्लॉकेड को नहीं हटाओगे तो फिर मैं दोबारा से हमले करूँगा। लेकिन इसराइल जो कि इस टाइम पर एक कोअलिशन गवर्नमेंट बन चुकी है, और इस कोअलिशन गवर्नमेंट में नफ्ताली बेनेट को सिर्फ और सिर्फ 2 साल मिले हैं, सितंबर 2022 तक का ये टाइम मिला है, और इस सितंबर 2022 तक के टाइम में अगर आप देखें तो उनके पास इतना ज़बरदस्त चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है इस मामले में कि वो अपना काम बहुत ही गिने चुने तौर पर ही कर पाएंगे, इतना समझ लीजिए। और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने आप को बेंजामिन नेतन्याहू के जितना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर इन्होंने प्रोजेक्ट करना है। यानी अगर ये 2 साल के अंदर अपने आप को बेंजामिन नेतन्याहू जितना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर पाए तो वो अगले काफ़ी टाइम तक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, वरना आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि इनकी राजनीति पर बुरा असर पड़े। और इसी के साथ दूसरी सिचुएशन यहाँ पर यह भी है कि कोवालिशन गवर्नमेंट के अंदर ये अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं और पूरा दबाव जो है वो फिलिस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, जो अरब लीग वाली पार्टी है उसके ऊपर बनाए रखना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि एक तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस वाला मामला अपना रखा है कि ज़रा सा आप हमला करेंगे हम उसका सीधा जवाब एयर स्ट्राइक से देंगे, और इसी पॉलिसी के ऊपर चलते हुए इसराइल ने सीधा सीधा हमास के ऊपर हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, और हमास के ऊपर वो जो पूरा एयर स्ट्राइक था वो हमास के वेपन डिपो के ऊपर किया, जहां पर वेपन्स बनाए जाते हैं उन्हीं वेपन्स के ऊपर किया, जिससे हमास की एक तरीके से कमर तो टूटेगी ही लेकिन दबाव भी बना रहेगा, और एक इमेज बिल्डअप होगी कि देखो मैं बेंजामिन नेतन्याहू जितना ही ताकतवर हूँ, डोमिनेटिंग हूँ। तो दोस्तों यहाँ जो सिचुएशन है ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यही पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ समझने वाली है कि इसराइल जो है हमास के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है और हमास इसराइल पर प्रेशर बनाना चाहता है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, दोनों के दोनों झुकने वाले नहीं हैं, और यही रीज़न है इसका जो आउटकम है वो वायलेंस यानी हिंसा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही, अगले टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।